थाने क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 ने कल ही एक बड़ी कार्रवाई की है, उसमें लगभग 8 किलो चरस इसमें पकड़ा गया है और इसकी लगभग कीमत है 80 लाख रुपए। हमने पाया है कि जो थाना पुलिस आयुक्तालय में जो कोई अमली पदार्थ विरोधी जो कार्रवाई चल रही है, माननीय पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे सर के मार्गदर्शन पे यहाँ पे जो अमली पदार्थ की सेल वगैरह हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश थे, उसके हिसाब से क्राइम ब्रांच हो या लोकल पुलिस कार्रवाई कर रही है और उसमें यूनिट 5 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विकास घोड़के और उनकी टीम ने ACP डिटेक्शन 1 नीलेश सोनोने साहब इनके मार्गदर्शन में एक ट्रैप आयोजित किया था। उनको इन्फॉर्मेशन थी कि एक आरोपी चरस लेके पालघर से मुंबई की तरफ जा रहा है, तो उसके तहत उन्होंने माजीवाड़ा जंक्शन पे उसको ट्रैप किया गया। तो उसको अरेस्ट करते वक्त उसके पास लगभग 8 किलो और 82 ग्राम्स वजन का ये पूरा चरस वहाँ से बरामद हुआ। इसकी लगभग कीमत 80 लाख रुपए है और ये जो चरस जो जब्त हुआ है, बरामद हुआ है, ये कहाँ से आया और कहाँ पे ये बेचने के लिए जा रहा था, इसका पूरा भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें और भी आरोपी होने की आशंका है, तो उसके हिसाब से जो भी आरोपी इसमें निष्पन्न होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही अच्छा काम ये जो NDPS के कार्रवाई के जो चल रही है उसमें यूनिट 5 ने किया है। ये जो आगे जाके इसके पहले भी NDPS के कार्रवाई थाने आयुक्तालय में चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी और ये जो अभी जो प्रोडक्ट मिला है उसके जो पैकिंग है वो कुछ अफगान प्रोडक्ट करके उसके अंदर पाए गए हैं, तो ये भी कहाँ से पैकिंग हुआ, कहाँ पे हुआ, ये कहाँ से माल आया था, तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आगे जाके इसमें और आरोपी निष्पन्न होने की आशंका है। सर, एक लोगो उसमें पाया गया स्टारबक्स का, जैसे कहते स्टारबक्स को हम देखते हैं कि कॉफी के बड़े पैमाने पर, तो उसका जो लोगो इसमें है उसके क्या करेक्शन है? निश्चित रूप से ये जो डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी तो कंसील होने के लिए ये कुछ भी प्रोडक्ट का नाम यूज़ कर सकते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने ये किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है, क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट के पैकिंग के अंदर ये पैकिंग डाल के ये जो प्रोडक्ट है NDPS का चरस है वो अंदर डाल के इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है ऐसा लग रहा है, तो इसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये पैकिंग कहाँ से मिले और कहाँ पे इसका पैकिंग हुआ है। आरोपी का बैकग्राउंड? आरोपी अभी तो हमने जो इंट्रोगेशन किया है आरोपी का, बाकी उसके ऊपर कुछ गुनाह दाखिल है ऐसा अभी तो सामने नहीं आया है, लेकिन उसका भी हम छानबीन कर रहे हैं। ये लोकल जो गांव है कोस्टल एरिया में उधर का रहने वाला ये प्रॉपर ये आरोपी है, लेकिन बाकी उसके ऊपर कुछ एंटीसीडेंट्स नहीं है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं हम, अगर उसके ऊपर गुनाह दाखिल हो गए तो उसके हिसाब से भी कार्रवाई उसके ऊपर। मुंबई में किसे बेचने वाला था कुछ अब तक जानकारी? वही इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, आगे जाके वो किसको बेचने वाला था ये भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा और वो भी जो कोई आरोपी रहेगा उसको भी हम कार्रवाई उसके। इसके अलावा कीमत कितनी होगी? इसकी कीमत मैंने पहले बताई कि 8 किलो का चरस है, 8 किलो 82 ग्राम्स ये वजन है उसका और इसका 80 लाख लगभग इसका प्राइस है मार्केट में। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।